हंसडीहा देवघर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के बनहेती गांव के समीप दो बाइक की आपसी भिड़ंत में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार हंसडीहा थाना क्षेत्र के बेहराडी गांव निवासी भरत राय हंसडीहा हाट से सब्जी खरीदकर अपने बाइक से घर जा रहे थे। जैसे ही धनबे मोड़ के समीप बाइक लेकर मुड़ना चाहा, देवघर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक से ने सामने से सीधी टक्कर मार दी, जिससे भरत राय का बायां पैर टूट गया। इधर देवघर की ओर से आ रहे बाइक सवार दोनों युवक प्राइवेट ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल निकल गए। घटना की सूचना पर हंसडीहा थाना के सहायक अवर निरीक्षक रामनाथ खीरवार, अनुरंजन मिंज पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां एम्बुलेंस के द्वारा भरत राय को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरेआहट पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा परामर्श के बाद भरत राय को बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया। इस मामले में एसआई रामनाथ खीरवार ने बताया कि देवघर की ओर से आ रही बाइक सवार दोनों युवक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरेआहट में नहीं पहुंचा। हालांकि दुर्घटनाग्रस्त बाइक को पुलिस ने जब्त कर हंसडीहा थाना ले आई। सरेआहट हंसडीहा से कौशल कुमार यादव की रिपोर्ट। हंसडीहा थाना क्षेत्र के उड़तारा गांव के समीप पेट्रोल पंप के पीछे खेत में स्थित एक कुएं से पुलिस ने एक नव विवाहित महिला का शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त पथरिया गांव निवासी साजन मांझी की पत्नी साजो देवी 19 वर्ष के रूप में की गई। घटना के बारे में साजो देवी के मौसा दिलीप सिंह ने बताया कि 3 माह पूर्व साजो की शादी साजन मांझी के साथ हिंदू रीति रिवाज में हुई थी। शादी के महज 1 माह के बाद से ही उसका पति साजो से घर ढलाई करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग करने लगा। साजो के पिता भीरो राय की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण पैसे का इंतजाम तुरंत करने में असमर्थता जताई। साजन मांझी का अवैध संबंध अपनी भाभी के साथ रहने की भी बात बताई। 9 नवंबर को साजो अपने मायके जरमुंडी थाना स्थित निसुंदरिया गांव से अपने ससुराल आई थी, जहां साजो के पति ने साजो को अपने साथ अपनी भाभी ललिता देवी के घर ले आया। साजन का भाई बाहर में काम करता है, जिसके वजह से साजन अपने भाभी के घर अपनी भाभी और अपनी भतीजी के साथ उड़तारा पेट्रोल पंप के समीप रह रहा था। शनिवार को साजो के पति ने साजो के मौसा को बताया कि साजो घर से बिना कुछ बताए निकल गई है। उसके बाद साजो के घर वाले उसे ढूंढने में लग गए। अंततः 7वें दिन शुक्रवार सुबह साजो के परिजन गुमसुदगी की का मामला हंसडीहा थाना में दर्ज कराया। दोपहर उड़तारा गांव के आसपास के लोग जब खेत जा रहे थे, तो वहां खेत में स्थित कुएं के समीप से बदबू आ रही थी। जब कुएं के पास जाके देखा गया तो एक महिला का शव कुएं में तैर रहा था, जिसकी सूचना तुरंत लोगों ने हंसडीहा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा, एसआई आकृष्ट अमन, सहायक अवर निरीक्षक राजेश पासवान पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां बड़ी मुश्किल के साथ शव को कुएं से बाहर निकाला। लगातार 7 दिन तक कुएं में शव रहने के कारण शव फूल कर बदबू दे रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टिकोण से ये लग रहा है कि किसी ने उक्त महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंका है, क्योंकि जब शव को कुएं से निकाला जा रहा था तो मृत महिला के साड़ी में पत्थर बंधा हुआ पाया गया। इधर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। इस पूरे मामले में हंसडीहा थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। सरेआहट हंसडीहा से कौशल कुमार यादव की रिपोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती व धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर संस्था के सचिव इंद्रजीत भारती ने कहा कि हिदाबका लेन कॉलेज आने वाला समय में जिला ही नहीं बल्कि पूरे पलामू प्रमंडल में शिक्षा का हक होने वाला है। आने वाले समय में आप पर एवं नर्सिंग MBBS की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष से हमारे यहाँ भी फार्मेसी की पढ़ाई भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए हमें मान्यता भी मिल गई है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष 60 अभ्यर्थियों को भी फार्मेसी की डिग्री दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रतिमा ने किया। इस मौके पर पत्रकार एवं अतिथियों को भी शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया। राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की ब्यूरो रिपोर्ट।